हाय बच्चों, आज मैं विलयन चैप्टर में जो अलसंख्यक गुण है उसमें सेकंड गुण लेकर आया हूँ, जिसमें कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं और इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम क्वथनांक में उन्नयन समझने से पहले क्वथनांक क्या होता है वो आपको समझना। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का या विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह कहलाता है क्वथनांक। और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब किसी द्रव या विलायक में कोई वाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर या घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है कि वृद्धि बढ़ जाना, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ विलायक के अंदर डाला जाता है। तो पर इसका डेफिनेशन देख लीजिए, लिखेंगे इसमें किसी विलायक में, किसी विलायक में, किसी विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ या विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ घोलने पर, घोलने पर विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है या वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी आप कहेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो क्वथनांक सबसे पहले समझना आता है। आप कहेंगे किसी भी द्रव या विलायक का जो वह ताप जिस पर क्वथनांक का वाष्प दाब और वायुमंडल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या वायुमंडलीय दाब होता है वो एक समान हो जाए वो कहलाता है क्वथनांक। और क्वथनांक में उन्नयन क्या है? जब उस विलायक में या जो द्रव है अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ अगर आप मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक पहले से बढ़ जाएगा। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उसमें आप चीनी या कोई चीज डालते हैं विलेय पदार्थ तो उसका क्वथनांक 100 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 102 103 हो जाएगा, तो वो कराता है क्वथनांक में उन्नयन। यानी आप कह सकते हैं इसका डेफिनेशन कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और जो डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोलैलिटी के, ये मोलरता के होता है। यानी ये क्या है? मोललता। और आपको पता है कि डेल्टा टीबी बराबर अगर मोलल जो समानुपाती का जो यहां चिन्ह है या प्रोपोर्शनैलिटी का इसको हटेगा तो आप क्या आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा केबी और यहां हो जाएगा मोलैलिटी। ये फार्मूला होता है। या हमने कहा था कि ये कोई अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया है ग्लूकोज है वो मिलाते हैं तब ये फार्मूला लगता है, लेकिन कोई इलेक्ट्रोलाइट आता है जो अच्छे पेपर होते हैं जेई और नीट का पेपर, वहां इलेक्ट्रोलाइट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो दोनों फार्मूला हो सकता है। तो डेल्टा टीबी बराबर आई के बी इंटू यंग, ये फार्मूला होता है आपका। आई जहां वांट हाफ फैक्टर होता है, ये वांट हाफ फैक्टर है, के बी क्या है? उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलेलिटी है। तो यहां पे लिख सकते हैं आई बराबर क्या है? वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। यम क्या है? मोललता, मोललता।
और केबी बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये दोनों आपको देखकर चलना। अब इसको थोड़ा सा जो मोलरिटी का फार्मूला है उसके टर्म में आप लिख लीजिए पूरा, तो के बी इंटू ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी का है तो डब्लू अपान, ऐसे लिखेंगे 1000 अपान कैपिटल डब्लू, ये आपका सूत्र हो गया क्वथनांक में उन्नयन का। पहले इतना आप देख लीजिए, यहां पर के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसका यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी अगर इकाई की बात की जाए, इसकी इकाई केल्विन केजी पर मोल, इतना आप नोट करिए। इसके बाद इस क्वेश्चन कैसे आता है वो कराया जाएगा आपको, देख लीजिए पहले इसको। ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि कोई देखिए, अगर अवाष्पशील पदार्थ अगर आप घोलते हैं किसी विलायक में या द्रव में, तो उसका क्वथनांक जो होता है पहले से कुछ बढ़ जाता है। तो जो अच्छे पेपर होते हैं कम्पिटिटिव, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मान लीजिए हम करा रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपके जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में नीट वगैरह में। पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम जल में 13.44 ग्राम CuCl2 घोलने पर जल का क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, गणना कीजिए। और यहां पर केबी का मान मान लीजिए ब्रैकेट में दिया है, इसका मोलर मास जो CuCl2 का मोलर मास है, CuCl2 का मोलर मास 134.4 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, और केबी का मान 0.52 दिया हुआ है, केल्विन केजी पर मोल, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इसको करें कैसे, आप क्वथनांक में उन्नयन आपको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है पहले आप देख लीजिए, ये सॉल्वेंट दिया है जल, और जो घोला गया पदार्थ आप देखेंगे क्या है, कोई आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो किसी विलायक में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है, यानी अपने अवयवों में टूट जाता है, वो कहलाता है वैद्युत अपघट्य। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल, वो सब आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर जब विद्युत रसायन उसमें पढ़ना है। यहाँ पे समझे कि जब वो जो विलेय पदार्थ है जिनको किसी द्रव में या विलायक में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक आयनों में टूट जाता है, यानी कि आप डेल्टा टीबी यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ दिया है आपको इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे कितने आयन में टूटेगा ये आप देखेंगे। पहले पहले फार्मूला कौन सा लेगा यहाँ पे, अगर वैद्युत अपघट्य तो आई के बी इंटू यम, ये फार्मूला आपका लगेगा यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रोलाइट दिया, वैद्युत अपघट्य दिया। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, तो CuCl2 देखिए जब टूटेगा CuCl2 तो ये दो पार्ट में से टूटेगा, यानी कि एक Cu हो गया Cu प्लस, दूसरा Cl माइनस, यानी दो ए हो गया और एक ए हो गया, तीन हो गया। तो यहाँ आई की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, तीन। यहाँ आई का जो वैल्यू रखा जाएगा, मान रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, तीन। ये जितने भी जेई मेन और नीट का पेपर है ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आएंगे क्वथनांक गुणन में। तो अब देखेंगे आप डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर आई, के बी आपको पता है, आई भी पता हो गया तीन, के बी का वैल्यू यहां दिया हुआ है, यम आपको निकालना है, तो डब्लू अपान यम इंटू 1000 बटे डब्लू, ये फार्मूला आपका लगेगा यहां पे, क्या होता है ये कह सकते हैं आप। आई की वैल्यू रख लीजिए डेल्टा टीबी बराबर आई कितना हो गया, तीन, के बी 0.52 इंटू डब्लू कितना है 13.44, विलेय का क्या आता है, विलेय की जो मात्रा होती है क्या कहलाता है, डब्लू कहलाता है। तो 13.44 इंटू 1000। यम कितना होगा, यहाँ मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ, देखिए यहाँ यम की वैल्यू ये क्या है, जो विलेय पदार्थ है उसका मोलर मास, यानी कि 134.4 गुणे विलायक। अब यहां क्या रखेंगे, तो विलायक क्या दिया है 1 kg यानी 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम आप जो इसकी मात्रा रखते हैं किसमें रखते हैं, ग्राम में, जब ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई नीचे क्या रखेंगे वैल्यू आप, ग्राम में, लेकिन यहाँ क्या दिया है किलोग्राम में, तो इस किलोग्राम को किसमें बदल देंगे आप, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है, इसलिए यहाँ 1000 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक। अब देखेंगे ये 13.4, देखिए कंपटीशन में ऐसी वैल्यू देता है जो कि सीधे सीधे कटते हैं लगभग पॉइंट, ध्यान देखेंगे अगर इसको पॉइंट को छोड़ दिया जाए, दशमलव को छोड़ दिया जाए, ऊपर भी 1344 है, नीचे भी 1344, लेकिन इसमें क्या है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा, इसमें क्या है 1 अंक के बाद लगा, इसको अगर आप काटते हैं तो ऊपर क्या है नीचे, अगर या 10 टाइम हो जाएगा, अगर इसमें गुणा करेंगे आप तो 10 टाइम हो जाएगा। कैसे होगा आप देख लीजिए, इसको अगर ऊपर 10 से नीचे 10 से गुणा करके आप काटेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले में ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो 134.4 हो जाएगा। अब इसका देख लेंगे डेल्टा टीबी बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी 3 × 0.52/10। तो अगर आप देखेंगे इसमें अगर भाग करेंगे इसका तो ये भी क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 1 अंक आ जाएगा इधर, इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये बराबर में 3 का गुणा कर लीजिए, 3 × 6 = 3×5=15, और 2 अंक के बाद इधर दशमलव 1 1, तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 3, यानी 0.156 आपका क्या आ गया वैल्यू आ गया। लेकिन इस जब डेल्टा टीबी निकालते हैं तो जनरली 2 ही अंक तक निकालते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू नॉर्मली आप देखेंगे लगभग कितना आ जाएगा 0.16 केल्विन ये आपका आंसर हो गया। आपके जेई मेन में 95 में क्वेश्चन आया भी है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, इसी टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी सामान्य क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको करा देते हैं अभी, जैसे इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं उसके लिए अलग से एक सीट कराएंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन का सारे एक साथ, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहा जाएगा क्वेश्चन, ये दूसरा है, पहला ये न्यूमेरिकल था, कहेगा कि बताइए इसमें सबसे अधिकतम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें अधिकतम
क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसमें अधिकतम क्वथनांक में उन्नयन होगा। चार ऑप्शन दिया होगा आपका और कहेगा कि बताइए इसमें अधिकतम या न्यूनतम पूछा जाता है कि इसमें अधिकतम क्वथनांक में उन्नयन होगा। जैसे ऑप्शन दे दिया जाए आपको NaCl, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको K2SO4, तीसरा दे दिया जाए Al2SO4 का होल थ्राइस, और चौथा दे दिया जाए आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो अधिकतम या तो न्यूनतम। तो आप अभी देखिए कि क्या है क्वथनांक में उन्नयन, एक अणुसंख्यक गुण होता है यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कि विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा यदि क्वथनांक में उन्नयन अधिकतम किसका होगा, जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी या आयनों की संख्या ज्यादा होगी। तो इसमें देखेंगे आप, अगर इसको देखेंगे तो दो भाग में टूटेगा यहां से, Na+- यानी किसके कितने हो गए, दो आयन हो गए। ये यहां से टूटेगा तो दो के हो गया और एक SO4 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, तीन हो गया। इसको देखेंगे यहां से टूटेगा तो दो ए है, तीन ए है, ये कितना हो गया, पांच आयन हो गया। और ये टूटेगा ही नहीं, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अनपघट्य, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उतना ही रहेगा। और आपको बताया कि परिभाषा में लिखे थे कि किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो इसके संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है, अणुसंख्यक गुण। तो इसमें पूछा है कि इसमें अधिकतम क्वथनांक में उन्नयन किसका होगा, तो जिसका आयन ज्यादा होगा, जिसमें संख्या आयनों की ज्यादा होगी या कणों की संख्या होगी उसका ज्यादा होगा, यानी कि इसमें Al2SO4 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आयन कितने हैं, पांच है, बाकी में देखिए यहाँ दो है, तीन है, यहाँ क्या है, कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन इसका होगा, सबसे कम पूछा जाए तो ग्लूकोज का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।